Morning 10th class. Today we will discuss about the examples given on page number 150 to 152. तो इसमें क्या है कि हमने first question जब करना है तो first question में क्या given है कि आपको rays of light दी हैं दोनों cases में parallel rays of light है. एक केस में जो ray of light है वो diverge कर रही है, second one में converge कर रही है. तो उन्होंने क्या पूछा है कि जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है वहां पे कौन सा लेंस आना है. तो फर्स्ट केस में अगर डाइवर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली कौन सा लेंस आएगा, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस, ठीक है. उसमें से रे ऑफ लाइट आएगी तो डाइवर्ज कर जाएगी. तो डाइवर्जिंग रे को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका फोकस. ये कौन सा फोकस है, सेकेंड फोकल पॉइंट है, ठीक है. इस केस में कौन सा लेंस आएगा, रे अगर कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस आएगा. तो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज कर गई तो और ये क्या पॉइंट आ गया, फोकस आ गया, ठीक है. फोकस है अगर तो ये कौन सा फोकस है, सेकंड है या फर्स्ट है, दिस इज सेकंड फोकस, ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट इट टू द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब क्या है, डायग्राम बनानी है, इसमें हमने इमेज भी शो करनी है, ठीक है. सारा कंप्लीट करना है इसने हमें. तो सबसे पहले आपने नोट किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा है बिल्कुल जो मिरर के सामने पड़ा, सॉरी लेंस के सामने पड़ा है. मुझे नहीं पता लेंस कौन सा है, रे ऑफ लाइट का बिहेवियर देख के हम लेंस फाइंड करेंगे. देखो रे ऑफ लाइट आई और वो आके क्या की, कन्वर्ज कर गई, मतलब टूवर्ड्स द फोकस वो बेंड की है, अंदर की तरफ बेंड की है. अंदर की तरफ किस केस में बेंड करती है, जब जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है. तो वो अंदर की तरफ बेंड करती है. अब देखो, अब यहाँ से आई रे और वो फोकस से निकल गई, ठीक है. हम जब भी रेज बनाते हैं, जब हमने डायग्राम बनानी होती है तो हम दो रेज मेनली बनाते हैं, एक तो पैरेलल रेज बनाते हैं, ठीक है, और दूसरी हम रे बनाते हैं टिप से बनानी है सारी रेज, और दूसरी रे जो बनानी है वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है, ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगी तो विदाउट डेविएशन वो सीधी निकल जाएगी. अब इन दोनों रेज से हमने यूज करके इनसे ही हमने इमेज बनानी है. इस साइड पे तो ये रेज एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी ही नहीं, तो जहां पे इंटरसेक्शन होगी रेज की वहां पे इमेज बनेगी. इस साइड में देखोगे, अगर राइट साइड में देखोगे तो ये तो कभी इंटरेक्ट करेंगी नहीं. तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा देखो टिप है ना, यहाँ पे टिप बनेगी, ठीक है. तो जो आपकी इमेज बनेगी दैट इज ए डैश बी डैश, वो इस साइड बन जाएगी, ठीक है. जहां पे पहले तो दो रेज आपने मेनली लेनी है, एक तो पैरेलल टू एक्सिस लेनी है और एक यहां से लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से. दोनों टिप से स्टार्ट करनी है, हेड से स्टार्ट करनी है ऑब्जेक्ट के, ठीक है. और जहां पे वो दोनों इंटरेक्ट करेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी. इस साइड तो इंटरेक्ट करनी रही थी, यहाँ पे जहां पे इंटरेक्ट करगी वहां पे इमेज बन गई. फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है नेम द लेंस, तो लेंस जो है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस. सेकंड क्या है, जो ओ एंड ओ डैश क्या है, ओ जो है एंड ओ डैश है वो कौन सा है, फोकस है. ये वाला फोकस कौन सा है, ये है आपका ओ डैश जो है. पैरेलल रेज आ रही हैं तो डाइवर्ज कर रही हैं, पहले पैरेलल थी फिर डाइवर्ज करगी तो ये सेकंड फोकस बनेगा. अगर ये सेकंड फोकस है तो ये फर्स्ट फोकस होगा ऑब्वियसली, ठीक है. थर्ड क्या है, इमेज बताओ कैसी बन रही है. भाई इमेज तो बन रही है सीधी, बड़ी बन रही है, सीधी ही बन रही है, और रेज को एक्स्ट्रा प्लॉट करके बन रही है, ठीक है. मतलब जो रेज है वो एक्चुअल में कंसाइड नहीं कर रही, मैंने डॉटेड डॉटेड रे बना के किए है, ठीक है. अगर डॉटेड डॉटेड रेज बना के मैंने इमेज बनाई है तो वो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इमेज जो है वो वर्चुअल है. सेकंड क्या है, इमेज बिल्कुल सीधी है, ठीक है. अगर हेड यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे भी ऊपर है, सीधी है, ठीक है. इन्वर्टेड नहीं है, सीधी है, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज, ठीक है. थर्ड इज क्या है, बड़ी है ना, तो इमेज क्या है, मैग्निफाइड बोल दो जहाँ क्या बोल दो, एनलार्ज्ड है, बड़ी बन रही है, ठीक है. ये थ्री प्रॉपर्टीज आ गई जो इमेज फॉर्म हुई है. तो फोर्थ इज नेम आर डिवाइस इन विच दिस एक्शन ऑफ लेंस इज यूज्ड, कौन से डिवाइस में ऐसा एक्शन यूज होता है, वो है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास. जो आपके मतलब लैब्स में मैग्नीफाइंग ग्लास पड़े होते हैं उनमें ये वाला, देखो हम मैग्नीफाइंग में इमेज बड़ी दिखती है ना, तो ये वाला जो फिनोमिना है वो उसमें यूज होता है. जहां पे हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फोकस से भी आगे रखते हैं, जिसके कारण उसकी उसी साइड पे इमेज बनती है एक बड़ी सारी, ठीक है, और सीधी इमेज बनती है, ठीक है. दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्या आ गया, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द
कंप्लीट इट टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. सेम उसमें यहाँ पे हमने पहले लेंस बताना है, फिर हमने इमेज की फॉर्मेशन देखनी है कहाँ पे बन रही है. ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, बी ए ऑब्जेक्ट है पहले. ठीक है, तो हेड उसका बी पे है. ओके, पहले रे आई इधर से आ रही है, देखो एरो इधर से बना है, मतलब इधर से आ रही है, फिर क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है. डाइवर्जिंग, डाइवर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली डाइवर्जिंग लेंस होगा. ठीक है, पहले देखा करो कि रे कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड कर लेना है कौन सा लेंस है. ठीक है, अब देखो यहाँ से गई बाहर चलेगी. सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड आपने हम जो रे एक तो उन्होंने बनाई हुई है, सेकंड हमने कौन सी रे बनानी होती है, जब भी हमने इमेज बनानी है हम वो रे बनाते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है और वी सीधी चली जाती है. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकली तो सीधी चलेगी. अब तो भाई ये और ये तो भाई डाइवर्ज कर रही हैं, ये तो कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, तो इमेज तो इधर बनेगी नहीं. ठीक है, मतलब इमेज इधर नहीं बनेगी और रियल भी नहीं बनेगी. अब मैं इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूँ. जब मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो मुझे पता है जब भी पैरेलल रे डाइवर्ज करती है उसको मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूँगी तो वो फोकस से पास करेगी. ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्लॉट कर रही हूँ, यहाँ पे कॉइंसाइड हो रही है ना, तो इमेज क्या बनी, यहाँ पे हेड है तो हेड ये बी, ये ए, बी डैश ए डैश ऐसे बना दो. ठीक है, अब देखो उसने पहले पूछा टाइप ऑफ लेंस, लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है. अब इमेज कैसी बनी है, इमेज भाई बनी तो है, हमने डॉटेड रे से बनाई है तो मतलब वर्चुअल है. ठीक है, सीधी बन रही है, बी ऊपर था, यहाँ पे भी देखो बी है तो ऊपर ही बी आ रहा है ना, बी डैश आ रहा है ऊपर, ये हेड ही है. जैसे बी ए थी तो बी डैश ए डैश सीधी बन रही है तो क्या है, इरेक्ट है. अगर यहाँ पे बी इसका हेड नीचे की तरफ आ जाता ना, इस साइड पे इमेज बन जाती, उल्टा बन जाती, तो इन्वर्टेड होनी थी. अभी तो सीधी बनी है, दैट इज इरेक्ट इमेज. थर्ड जो आ गया देखो, छोटी बनी है, उसमें बड़ी बन रही थी तो हमने कहा था एनलार्ज्ड बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, लेकिन यहाँ पे छोटी बन रही है. जब छोटी बनेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बन रही है इमेज. ठीक है, डिमिनिश्ड है. ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है जो कनकेव लेंस ने बनाया है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ गया. इन द क्वेश्चन नंबर फोर, द डायग्राम शोज अ पॉइंट सोर्स एस. एक एस पॉइंट सोर्स है, एक कन्वेक्स लेंस है एल, ठीक है, और एक प्लेन मिरर है एम. दीज आर प्लेस्ड इन सच दैट द रे ऑफ लाइट फ्रॉम एस रिटर्न टू इट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम. उसने क्या बोला है कि ऐसे रखे गए हैं कि जब रे ऑफ लाइट, जब एस सोर्स है वो हर तरफ, जो पॉइंट सोर्स होता है वो हर डायरेक्शन को रेज छोड़ता है. ठीक है, हम कोई भी दो रेज ले लेते हैं यहाँ से, मान लो एक इधर ले ली एक इधर ले ली. ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे देखो रेज यहाँ से आई हैं तो वो क्या है, पैरेलल गई. ठीक है, अब उसने बोला है कि यहाँ पे मिरर रख दिया तो जब वो वापस गई उसने सेम पाथ वैसे ही फॉलो किया. ठीक है, वापस गई है रिटर्न, पहले यहां से यहां ही तो वापस गई है, सेम पाथ फॉलो किया है. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो उसने क्वेश्चन से पूछा है कि फिर जो ओएस पॉइंट है वो क्या है. ठीक है, तो ओएस जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ. देखो रे आई है यहां से गई, ठीक है, पैरेलल, जो रे फोकस से निकलती है वो आगे जाके पैरेलल जाती है, जो पैरेलल रे आती है वो फोकस से निकलती है, मतलब ऑब्वियसली एस क्या है, फोकस है. तो जो एस ओ है वो क्या है, जहां ओ एस है वो आपकी फोकल लेंथ आ गई. ठीक है, अब सेकंड केस में उसने बोला है टू व्हाट पॉइंट लेफ्ट ऑफ एस और राइट ऑफ एस विल बी द रे रिटर्न. अगर हमने, उसने बोला है कि अगर हमने मिरर को इस साइड मूव कर दिया या इस साइड मूव कर दिया तो एस की पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी, फोकस जो है लेंस का चेंज हो जाएगा अगर पोजीशन हम मिरर की चेंज करें. तो आंसर है नो. अगर हमने देखो फोकस लेंस का है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंस है उसका फोकस जिस पॉइंट पे है उसी पे ही रहेगा. आगे आप मिरर चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे आगे रख दो, जहां पे मर्जी रख दो, या मिरर रखो भी ना, लेकिन जो फोकस जहां पे है लेंस का वहीं पे ही रहना है. ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंस का, तो मिरर की पोजीशन आगे पीछे करने से फोकस पे कोई चेंज नहीं आएगा, फोकस एस पॉइंट पे रहेगा, ना लेफ्ट को मूव करेगा ना राइट को मूव करेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वन इज, तो क्या है, कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू द एक्स, जो एक्स है उसको नेम क्या दिया गया है, एक्स जो है, ठीक है, एक्स एंड एक्स डैश उसको क्या नाम दिया गया है, और इमेज बनाओ. अब देखो एक तो भाई ये रे आई है, ठीक है, मुझे पता है ये ओ है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये निकल गई. ठीक है, ये तो कन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा, कनकेव में भी ऐसा ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो निकल जाएगी. इस रे से मैं डिटरमाइन करूंगी कि ये जो लेंस है वो कन्वेक्स है या कनकेव है.
देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो बाहर चली गई, डाइवर्ज कर गई। डाइवर्ज कौन सा लेंस करता है? कनकेव लेंस। अगर ये अंदर की इधर इस तरफ मुड़ जाती ना, ये अगर ऐसे निकलती ऐसे मुड़ जाती तो मैं इसको क्या बोलती, ये कन्वेक्स लेंस है। लेकिन अब क्या है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज किस में करती है? कनकेव के केस में। तो लेंस कौन सा आ गया? कनकेव आ गया। अब जो एक्स पॉइंट है उसको क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखो जो रेज है वो पैरेलल आई, पैरेलल आके वो क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो वो एक्स डैश से निकली है। ठीक है, तो किससे निकलती हैं? फोकस से ही निकलती है ना, पैरेलल रेज जो वो डाइवर्ज कन्वर्ज करती हैं तो वो क्या है, फोकस से ही निकलती है। तो एक्स फोकस है तो ये भी फोकस ही होगा, एक्स डैश फोकस है तो ये भी फोकस होगा। लेकिन फर्क क्या है, इनमें से एक जो है वो सेकंड फोकस पॉइंट होगा और दूसरा फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा। देखो अगर लाइट पहले पैरेलल आ रही हो, ये पैरेलल आ रही है ना, तो बाद में वो जहाँ कन्वर्ज कर जाए जहाँ डाइवर्ज कर जाए। फर्स्ट में जब वो पैरेलल जा रही होती है ना, तो पैरेलल जाके कन्वर्ज डाइवर्ज करती हैं, तो उनसे जो बनता है, ठीक है, फोकस बनता है, उसको सेकंड फोकस बोलते हैं। ठीक है, अगर रेज पहले पैरेलल है तो जो फोकस बनेगा उसको सेकंड फोकस बनेगा कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये सेकंड फोकस है तो ये कौन सा फोकस आ जाएगा? फर्स्ट फोकस। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इनको कंफ्यूजन्स को दूर करना है तो प्लीज रीड द टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक्स अगेन, या वीडियो दोबारा देखो। जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होंगे यू कांट सॉल्व दिस रे डायग्राम क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस प्रीवियस वीडियोज एज वेल एज देन डू दिस क्वेश्चन एज, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कोई टफ नहीं है। लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कन्वर्ज डाइवर्ज। कनकेव जो है वो डाइवर्ज करता है, कन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज करता है। जब भी रे डायग्राम बनानी है तो दो रेज हमने मेन लेनी है, एक जो पैरेलल टू एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो रे लेनी है, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो लेनी है। इन दोनों रेज से ही हमने सारी डायग्राम, सारी इमेजेस, ऑब्जेक्ट से इमेजेस बनानी है। उसी से इमेजेस से हमने देख लेना है कि इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। देखो ये इमेज सीधी बन रही है ना, ठीक है, तो ये कौन सी है? इरेक्ट। अगर यही इमेज ऐसे बन जाती ना कहीं पे तो वो इन्वर्टेड होनी थी। ठीक है, अगर डॉटेड लाइन से बन रही है, अगर ये डॉटेड लाइन से बन रही है तो ये वर्चुअल है, अगर वो रियल लाइन से बन रही हो तो वो रियल है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड मतलब छोटी है, एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड मतलब बड़ी है। तीन प्रॉपर्टीज ही होती है मेन इसकी। ठीक है, और फोकल एंड फोकस पॉइंट अगर बात करें, फोकस पॉइंट की बात करें, तो अगर पैरेलल रेज आके डाइवर्ज और कन्वर्ज कर रही हैं तो जो फोकल पॉइंट बनेगा वो सेकंड फोकस पॉइंट होगा। अगर रेज पहले आ रही हैं बाद में पैरेलल हो रही हैं तो उनसे जो फोकस बनेगा वो फर्स्ट फोकस बनेगा। ठीक है, तो यू शुड क्लैरिफाई बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। प्लीज रीड दिस टॉपिक अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट।